बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत देदतलाई में ठेकेदार की मनमानी से आम जनमानस परेशान हो रहा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत हर घर में नल द्वारा जल उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदार द्वारा गांव में नाली खोदकर पाइप लाइन बिछाने के कार्य किए जा रहे हैं। योजना 90.51 लाख की राशि स्वीकृत है। 2 लाख लीटर की पानी की टंकी बनाकर 100 कनेक्शन गांव में बांटे जाएंगे, जबकि देदतलाई में 1254 परिवार 5490 जनसंख्या है। पिछले कई वर्षों से गांव में पानी की समस्या चल रही है, ऐसे में 100 कनेक्शन से 254 परिवार को पानी कैसे मिलेगा। गांव में 20 वार्ड, 8 मुख्य मार्ग, 20 से ज्यादा छोटी गलियां और एक हाईवे है जहां से पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। ठेकेदार के लोगों द्वारा काम में लापरवाही बरती जा रही है। जगह जगह नालियां खोदकर और गांव में पाइप पटक कर छोड़ दिए हैं। ऐसे में गांव में आवाजाही करने में काफी समस्याएं हो रही हैं। सड़कों पर पड़े मलबे से ग्रामीण दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। गांव के 4 मोहल्लों में लगभग 7 वार्ड की पुरानी नल जल योजना की पाइपलाइन खुदाई के दौरान फोड़ दी गई है, जिसमें 250 से ज्यादा परिवारों को पानी नहीं मिल रहा है। ठेकेदार के लोगों द्वारा गांव में सीसी रोड खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन बिछाने के बाद में खोदी गई नाली को दोबारा ठीक से मिट्टी का भराव भी नहीं कर रहे हैं। सारे सीसी रोड बरखाबड़ और मिट्टी बिखरी पड़ी हुई है। बारिश का मौसम है, ऐसे में कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना दुर्घटनाओं को बुलावा देने जैसा है। यही नहीं, देदतलाई बुरहानपुर हाईवे की साइड पटरिया एवं हाईवे के साथ लगा हुआ डामर पैदल पथ को भी कई जगह से उखाड़ दिया गया है, जिसको की दोबारा भरना चाहिए था, वे भी ऐसा ही पड़ा है। हाईवे किनारे के दुकानों के सामने पड़े मलबे से दुकानदार और ग्राहक को भी परेशानी हो रही है। ठेकेदार के लोग सरपंच और सचिव की एक बात नहीं सुनते, वह अपनी मनमर्जी से ही काम कर रहे हैं। देदतलाई से अनिल मंडलकर की ये रिपोर्ट।